नमस्कार, साई करुणा मिशन और डॉक्टर उदय साकी और से मैं आप सभी का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के सत्र में हम बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट पे बात करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन भी करेंगे। सत्र का नॉलेज और गाइडेंस लेने के लिए है, अपने आप को सिर्फ 2 मिनट के लिए तैयार कर लेते हैं। आज के शॉर्ट रिलैक्सेशन में सिर्फ मैं 11 बार ओम का चैंटिंग करूंगी। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजिशन, क्लोज आईज, अपनी आंखें जेंटली बंद कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अंदर जाती हुई प्राण ऊर्जा की ओर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। गहरी सांस अंदर और बाहर। गहरी सांस लेते हुए हम ओम का चैंटिंग करेंगे। आप भी साथ साथ में दोहरा सकते हो।
तन मन में हो रही वाइब्रेशन को अनुभव करें। फील कीजिए इसी ओम की ध्वनि में आपके शरीर को पॉजिटिव ऊर्जा से भर दिया है। आपके मन को पूरी तरह से शांत कर दिया है। इसी ओम मंत्र की वाइब्रेशन से आपका पूरा ओरा वाइब्रेट हो रहा है। आपका ओरा पॉजिटिव हो चुका है। और इसी गहरे वाइब्रेशन के साथ अपने ही गॉड गुरु भगवान को अर्ज कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आज के सत्र में ट्रिकी हीलिंग के बारे में हमें पूरी तरह से गाइडेंस ले पाने के लिए सक्षम बनाए। जानिए और मानिए आपके गुरु ने, आपके भगवान ने आपको आशीर्वाद से भरपूर कर दिया है। आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और आपको पूरी तरह से सक्षम बना दिया है आज की गाइडेंस को ले पाने के लिए। पूरे भाव के साथ धन्यवाद करते हुए धीरे से इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। Slowly you can open your eyes. नमस्कार, फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ब्यूटीफुल वाइब्रेशन आप सबके आसपास दिख रही है। आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही ब्यूटीफुल है, ट्रिकी हीलिंग। तो मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि इतने समय से हम हीलिंग कर रहे हैं, तो आज हम सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि व्हाट इज ट्रिकी हीलिंग। तो आप भी थोड़ा सोचिए और देखिए अपने माइंड में क्या आता है, कौन सा वर्ड आता है, ट्रिकी का मतलब क्या, हम क्या समझते हैं। तो प्लीज थोड़ा चैट करके बताइए ट्रिकी हीलिंग के बारे में आपका क्या आइडिया है। ट्रिकी हीलिंग क्योंकि हम जब समझते हैं पहली बार, जैसे मैंने टाइटल देखा ट्रिकी हीलिंग, तो ट्रिक से हमारे माइंड में एक वर्ड आता है कि ट्रिक का मतलब क्या, थोड़ा बहुत एक ट्रिक करते हैं हम, राइट। तो छल कपट भी उसका होता है ट्रिक का मतलब। तो इसको हीलिंग के साथ हम कैसे जोड़ेंगे, ऐसे बहुत सोचने पे मजबूर किया मुझे। लेकिन फिर सर से जो गाइडेंस मिली दैट इज समथिंग मोर डिफरेंट। छल कपट है ना, यस। तो ट्रिक का मतलब एक्चुअली हम हमारे जीवन में ट्रिक का मतलब यही समझते हैं कि जैसे
ट्रिकफुली कुछ हम काम करवा लेते हैं, किसी के साथ छल कपट करके हमारा फायदा उठा लेते हैं, हम इसको हम ट्रिक कहते हैं, राइट। तो जैसे हम समझते हैं कि रावण ने सीता का जो हरण किया था वो कैसे ट्रिकफुली किया था, कि साधु का वेश लेकर आए और सीता जी को उठा ले गए, राइट, वो ट्रिक थी एक। तो ऐसे ही महाभारत में जैसे ट्रिक शकुनी ने जो चौपाट खेलते थे उसमें ट्रिक किया था, तो वो ट्रिकी खेल करके कुछ न कुछ कर दिया कि पूरा का पूरा उनके फेवर में हो गया जो गेम थी वो। तो ऐसा करके ट्रिक का मतलब ये हम समझते हैं। एडवर्टाइजिंग में हम ट्रिक का यूज कर लेते हैं कि 2 मिनट भी एक ट्रिगर हो जाता है कि भूख लगी है तो 2 मिनट तो मैगी तुरंत याद आ जाती है। फिर कोको को ठंडा मतलब कोको कोला, तो जैसे ही हमें एकदम इच्छा जागती है तो माइंड में तुरंत कोको कोला आ जाता है, वो ट्रिक है। तो एडवर्टाइज में भी ये ट्रिक यूज करते हैं, जैसे एनएलपी में सब ट्रिक यूज करते हैं। तो ये ट्रिक का मतलब माइंड को उससे जोड़ देते हैं कि कैसे क्या करना है और क्या हो अगले मोमेंट में हमें क्या चाहिए, वो माइंड में एकदम ट्रिगर हो जाता है, वो ट्रिक जो हम दुनियादारी में यूज करते हैं। लेकिन हमारे स्पिरिचुअलिटी में ट्रिक का मतलब क्या होता है? तो जैसे सर ने बताया कि डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं कोई एक दर्द की दवा लेने के लिए जाते हैं, डॉक्टर हमें ट्रिकफुली दवाई देते हैं। ट्रिकफुली मतलब कि जो जिसका हम दर्द है उसकी तो दवा देते ही है, लेकिन साथ में 4 गोली और देते हैं, पेन किलर होती है, कोई जो ऑर्गन की दवा है वो होती है, एंटा एसिड होती है, साथ साथ में कोई विटामिन हो जाती है तो एनर्जी भी रहती है, फीवर नहीं आता है, एसिडिटी नहीं होती है, तो वो साथ साथ में सब एक पैकेज दे देते हैं। तो वो ट्रिकफुली आइडिया करके और डॉक्टर की एक ही डोज में हमें पूरा कंप्लीट रेस्ट हो जाता है, तो ये ट्रिकफुली वो हमें ट्रीट करते हैं, राइट। तो ऐसे ही ट्रिक हमें हीलिंग में अपनानी है। जैसे सर ने पूरी जर्नी स्पिरिचुअलिटी में ट्रिकफुली ही एंटर किए हैं। खुद तो कहाँ पे थे, मेडिकल लाइन में थे, फिर जैसे ही उनको मेडिकल लाइन में देखा कि इतनी ज्यादा रिकवरी नहीं हो पा रही है या तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तभी उन्होंने क्या किया कि ओरा पे थोड़ा रिसर्च करना चालू किया। ओरा को देखते देखते फिर थोड़ा और आगे गए, और आप सबको मालूम है 125 तरह की सब डिफरेंट टाइप ऑफ मोडालिटीज को अपनाया है, और साथ साथ में फिर क्रिस्टल पे कुछ ज्यादा ही वर्क किया। तो ये सब जैसे सबकी जो रिजल्ट थी वो उन्होंने एक मर्ज कर दिया, सबकी हमें जो एडवाइस है सबको मर्ज करके फास्ट रिजल्ट पे हमें पहुंचा दिया। तो ये ट्रिक है। तो ट्रिक मानी वन टाइप ऑफ मेथड, कि हमें वो मेथड अपनानी है जिससे हम जो भी रिजल्ट लाना चाहते हैं वो बहुत ही क्विकली और बहुत अच्छे तरीके से 100% रिजल्ट के पास हम पहुंच जाए, ऐसे ट्रिक करनी है। तो यहाँ पे ट्रिक का मतलब यही है कि कॉम्बो पैक, ट्रिक का मतलब कि मोनोटोनस नहीं रहना है, कोई एक को ही पकड़ के नहीं रहना है। जैसे ब्रह्मा कुमारीज में सिर्फ एक राजयोग ही करते हैं, आजू बाजू का और कुछ नहीं करते हैं, राइट। ऐसे जो जो संप्रदाय है कुछ कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर जो वे है उसको ही लगे रहते हैं, पूरी लाइफ उस पे ही स्टिक रहते हैं। तो हमें क्या करना है, पूरा का पूरा कॉम्बो पैक लेना है, और जैसे दवाई डॉक्टर देते हैं 4-5 जाती है, कोई ना कोई काम में आ जाती है और हमें जल्दी हीलिंग हो जाती है, ऐसे ही हमें हीलिंग में भी ट्रिकफुली काम करना है कि जैसे उसमें भी मिरेकल हो सकते हैं। तो मिरेकल कब होगा, जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोडालिटी को अपनाएंगे, और हम वो कर रहे क्योंकि ये एसकेएम की पर्टिकुलरिटी है कि एसकेएम की एक अपनी ही
ट्रिक है जिसमें हम क्रिस्टल पे काम करते हैं, जिसमें कोई एक भगवान को नहीं लेकिन बहुत सारे देवी देवता को इन्वोक करते हैं, जिसमें हम सभी गुरु संत महात्मा ऋषि मुनि सबको इन्वोक करते हैं, जिसमें हम एंजल थेरेपी का भी यूज करते हैं, जिसमें हीलिंग के लिए क्रिस्टल्स का यूज करते हैं, चक्र ध्यान करते हैं। चक्र ध्यान में सिर्फ बीज मंत्र तो डालते हैं, साथ साथ में सिंबल्स भी डालते हैं। तो सिंपल मेडिटेशन से चक्र ध्यान और तेज हो जाता है, चक्र ध्यान में बीज मंत्र के साथ और फास्ट रिजल्ट मिलता है, उसमें चक्र में और सिंबल तीन तीन बार अगर हम डालेंगे तो हजार गुना जल्दी हमें हीलिंग का रिजल्ट मिलता है। तो ये कितने क्विक हमें जो रिजल्ट मिलती है, क्विक हीलिंग होती है, और हम सबको मालूम है कि कितना ज्यादा फायदा होता है। तो एक ना एक सिर्फ एक पे स्टक नहीं रह के सभी मॉडलिटी को इंटीग्रेट करते हैं हम। तो ये करने का बड़ा फायदा है और ये ही है ट्रिकी हीलिंग। तो हमें हीलिंग के लिए बहुत सारे मॉडलिटीज को मर्ज करना है, इंटीग्रेट करना है, मंत्र को भी चेंट करना है, सिंबल को भी बार बार चेंट करना है। सिर्फ और सिर्फ हम स्पिरिचुअल पे नहीं काम करते, हम अपनी बॉडी पे भी काम करते हैं, और बॉडी के साथ साथ हम कैसे इंटीग्रेट, जैसे जब हम योगा करते हैं, जब हम वॉकिंग करते हैं, जब हम कोई प्राणायाम या योगासन करते हैं, तब भी हम मेंटली अंदर सिंबल का चेंटिंग करते रहते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, बॉडी पे तो वर्क हो ही रहा है और साथ साथ में सोल पे वर्क हो रहा है। बॉडी और सोल के बीच में माइंड आ जाता है, ऑटोमेटिक माइंड का हीलिंग हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बो पैक, माइंड बॉडी ओरा सोल चक्र डीएनए सब पे हम काम करते हैं। तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है, बहुत ही रेयर संप्रदाय या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसमें इतने सारे मर्जिंग, इतने सारे इंटीग्रेशन होते हैं, ताकि हम बहुत ट्रिकफुली हीलिंग करते हैं। इसीलिए हमारी हीलिंग बहुत फास्ट, बहुत क्विक और क्विक मैनिफेस्टेशन पे हम सब आ चुके हैं। और जो मोनोटोनस रहते हैं, सर का कहना यही है कि जो मैच्योर लेवल पे रहते हैं सोल, वो मोनोटोनस रहते हैं कि ये एक को ही पकड़ा है, ये ही मेरे गुरु है, ये ही मेरा मन है, ये ही मेरा जो ध्यान की जो साधना की एक मेथड है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। वो एक मोनोटोनस हमारा स्वभाव बन जाता है जब हम मैच्योर लेवल पे होते हैं। लेकिन मैच्योर लेवल से जैसे ही ऊपर उठते हैं, हम पूरा का पूरा ओपन हो जाते हैं सभी मॉडलिटीज को अपनाने के लिए, सभी को इंटीग्रेशन करने के लिए और हायर एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए हम ओपन एंड क्विक हो जाते हैं। तो मैच्योर सोल से, मैच्योर लेवल से ऊपर जैसे ही आते हैं, हमें ट्रिकी हीलिंग को अपनाना है। तो ये ब्यूटीफुल है ट्रिकी हीलिंग करने के लिए कि हमें सब कुछ अपनाना है। ऐसा नहीं है कि बस ये ही मेरे भगवान है, ये ही मेरे इष्ट देव है, या तो ये ही मेरे एक परंपरा जो हमारी कुटुंब में, हमारी फैमिली में चल रही है, तो मैं ये ही करूंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड असंख्य अनगिनत ऊर्जा से भरा हुआ है, तो कोई ना कोई ऊर्जा हम एक साथ में अगर सभी कलर को भी अपना लेते हैं तो वो ब्यूटीफुली मेघ धनुष बन जाता है, ब्यूटीफुल रेनबो बन जाता है, और रेनबो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ताकि एक कलर की बदले में। तो हम पूरा का पूरा रेनबो हमारी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम सभी मॉडलिटीज को अपनाएंगे, सभी थेरापी को अपनाएंगे। जैसे मैं सिर्फ मेरा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सीखा तो सिर्फ यही था पहले, तो करुणा रेखी और साइकिक सर्जरी, राइट। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत सिचुएशन ऐसे तैसे होने लगा, तभी मैंने वास्तु का भी अपनाया कि वास्तु भी मैंने करेक्ट करवाया, मेरे घर में थी ड्रास्टिक चेंज मुझे लगा। फिर धीरे धीरे जैसे हमें गाइडेंस मिलता गया, तो आगे जाते जाते रिट्रीट भी अटेंड करते गए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमने अपनाया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ साथ फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी अपनाया, और आप सबको मालूम है कि सब में ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला है। तो ये सब जो भी थेरेपी है सबको हमें अपनाना चाहिए, और पूरे सरेंडर भाव के साथ।
पूरे समर्पण भाव के साथ अगर हम ट्रस्टफुली फेथ रख के अपनाएंगे तो रियली क्विक रिजल्ट मिलता है, दैट इज ट्रिकी हीलिंग। तो हमें ट्रिकी हीलिंग करने के लिए ब्यूटीफुल मेडिटेशन करिए और मेडिटेशन पाएंगे। आज तक हमें जहां पे भी कोई गाइडेंस को हम नहीं अपना पा रहे थे या तो हमने अट्यूनमेंट लेकर भी छोड़ दिया है कि हम नहीं कर पा रहे, उनको भी हम रीएक्टिवेट करेंगे। तो आइए ब्यूटीफुल मेडिटेशन के लिए, ट्रिकी हीलिंग के लिए हम तैयार। अच्छा ठीक है, वॉइस और एवरीथिंग क्लियर? क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? ओके ओके, सो वी कैन स्टार्ट मेडिटेशन। सो थैंक यू वेरी मच। रेडी फॉर मेडिटेशन? क्लोज योर आईज। In comfortable position, gently close your eyes. पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर। अंदर आती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस के साथ अपने चित्त को जोड़ दीजिए। धीमी गहरी सांस, अंदर जाते हुए सभी बॉडी पार्ट्स को हील कर रही है। बाहर निकलती हुई हर सांस शरीर के हर भाग से तनाव को, चिंता को, दुख दर्द को बाहर धकेल रही है। बहुत ही भाव के साथ अपनी ही सांसों को अंदर खींचिए, जैसे हम कोई प्यारी सी चीज को अंदर ले रहे हैं और बाहर निकलती हुई सांस के साथ सभी अनवांटेड एनर्जी को बाहर धकेलने में मदद कीजिए। इस क्रिया को दोहराते रहिए और फील कीजिए आपके हार्ट, आपके लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर चुके हैं। आपके फेफड़े पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर चुके हैं। सभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल चुका है। अंदर लेते हुए पूरे भाव के साथ हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है। अनुभव कीजिए आपकी सांसों के साथ ही आपकी हीलिंग प्रोसेस चालू हो चुकी है। आपकी सांस से ही कंटिन्यूअस हीलिंग का एक नेचुरल सोर्स है। अंदर जाती हुई सांस आपके शरीर को शिथिल बना रही है। बाहर निकलती हुई हर सांस आपके मन को शांत बना रही है।
तन स्थिर और मन शांत। अनुभव कीजिए आपका शरीर रिलैक्स हो चुका है, आपका शरीर सिर से पायल तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और रिलैक्सेशन के वाइब्रेशन ने आपके मन को शांति की गहराई तक पहुंचा दिया है। शांत मन में आप पूरी तरह से भक्ति भाव में डूब चुके हो। पूरे भाव के साथ इनवॉक करें अपने ही गुरुदेव को। जितने भी गुरुदेव है सभी को हम इनवॉक करते साईं बाबा का इनवोकेशन। अपने इष्ट देव का आवाहन करें। कुल देवी कुल देवता का आवाहन करें। त्रिदेवी माँ लक्ष्मी माँ काली माँ सरस्वती त्रिदेव श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री महेश प्रथम पूज्य श्री गणेश जी राम भक्त श्री हनुमान जी राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण शिव शक्ति महाअवतार बाबा जी सभी संत महात्मा सभी ऋषि मुनि सभी सिद्धार्थ अवधूत इस ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य आत्मा है सभी का आवाहन करते हैं। सभी डिवाइन एनर्जी का आवाहन करें। अपने माता पिता का आवाहन करें। अपने कनेक्टेड सोल्स हायर सेल्फ का आवाहन करें। आकाशिक रिकॉर्ड का पंच महाभूत और नवग्रह की शक्ति का आवाहन करें। सभी तीर्थ धामों की एनर्जी का सभी शास्त्रों की शक्ति का आवाहन करें। क्रिस्टल्स की एनर्जी पिरामिड की शक्ति का आवाहन करें। पंच महाभूत नवग्रह की शक्ति का आवाहन करें। उदय सर का आवाहन करें।
सर की अट्यूनमेंट की शक्ति का वाहन करें, साईं बाबा का वाहन करें, शिरडी धाम की उदी की शक्ति का वाहन करें, सभी एंजल्स आर्कएंजल्स गार्डियन एंजल्स का, इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी हीलिंग मॉडलिटीज का वाहन करें, रेखी करुणा रेखी अबंडेंस रेखी एनर्जी का वाहन, वास्तु पुरुष का वाहन करें, मां गंगा मां अन्नपूर्णा मेघ धनुष के सभी रंगों का वाहन करें, विजुलाइज करें आपके आसपास आपके ऊपर अनगिनत एनर्जी की बारिश हो रही है, चारों ओर से दसों दिशाओं से पूरे ब्रह्मांड से आपके ऊपर एनर्जी की बौछार हो रही है, अनुभव करे आपकी एनर्जी का सोर्स अचानक ही बढ़ चुका है, अब ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ आपकी चेतना मर्ज हो चुकी है, सभी एनर्जी हीलिंग पावर से भरी हुई है, और विजुलाइज करें अपने आप को आपके मन में चलते हुए सभी विचार को सोचे और उसी सोच के साथ इसी एनर्जी को हीलिंग करने के लिए फोकस करें, ट्रिकी हीलिंग है, हीलिंग का पूरा सोर्स हीलिंग एनर्जी का रिमोट आपके मन में है, आपके सोच में है, आपकी सोच जहां जहां जाएगी वहीं वहीं हीलिंग क्विकली हो पाएगी, आप जहां पे भी जिस फील्ड में सोचना चाहते हो हीलिंग पाना चाहते हैं विजुलाइज करें, अपने जीवन में कहां ज्यादा हीलिंग की जरूरत है वहीं पे सोच डालें, विजुलाइज करें एनर्जी का ये पूरा सोर्स हीलिंग करने के लिए तैयार है,
आप सोच सकते हो अपने ही बारे में, विजुलाइज कर के हेल्थ को ट्रिकी हीलिंग के जरिए आपने मनचाही बना दी है। ट्रिकी हीलिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मॉडलिटीज आप हेल्थ को हील करने के लिए बहुत सारी ट्रिक अपना रहे हो। अपने ही आप को विजुलाइज करें, आप ट्रिक फुली अपनी हेल्थ को पाने के लिए 100% हेल्दी रहने के लिए रेगुलर बेसिस पे योगा वॉकिंग एक्सरसाइज जिम सूर्य नमस्कार आदि अलग अलग टेक्निक्स कर पा रहे हो। बॉडी लेवल पे काम करते हुए आप बहुत ही खुश हो। आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। सभी आसन पोस्चर आप ठीक से कर पा रहे हो। और योगा आसन करते समय आप सिंबल का चैंटिंग करते हुए ट्रिकी हीलिंग को अपना पा रहे हो। वेरियस टाइप ऑफ आसन करते हुए सिंबल डालते हुए आप सभी चक्र को बैलेंस कर रहे हो। आपकी फूड हैबिट भी चेंज हो चुकी है। हाई प्रोटीन और लो फैट लो कार्ब सात्विक आहार आप ले रहे हो। अब आपको यही पसंद आ चुका है। जंक फूड ऑयली और मसालेदार अब आप बहुत कम खा रहे हो। जितना भी खाते हो पौष्टिक आहार सात्विक आहार ट्रिकी ही के जरिए आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हो अपनी बॉडी के लिए। आपके शरीर को क्या मिलना चाहिए क्या देना चाहिए कब कहाँ और कितनी मात्रा में पूरी तरह से अवेयर हो चुके हो। पूरा गाइडेंस आपको मिल रहा है। आप सभी गाइडेंस को इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए देखते ही देखते ट्रिकी हीलिंग के जरिए आपने आपकी हेल्थ को बहुत ही चेंज कर दिया है। स्वस्थ निरोगी और तंदुरुस्त बन चुके। कफ पित्त और वायु का बैलेंस हो चुका है। आपकी
एज और हाइट के मुताबिक आपका वजन परफेक्ट हो रहा है। बॉडी लेवल पे काम करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो। शरीर को हेल्दी बनाना, डाइट और एक्सरसाइज, ये आपकी आदत बन चुकी है। और साथ साथ में जो भी डाइट, जो भी फूड, ड्रिंक, एक्सरसाइज, सिंबल के साथ इंटीग्रेशन, ये भी आपकी एक आदत बन चुकी है। हार्ट की हीलिंग के जरिए बॉडी पे काम करते करते आप सोल लेवल को भी पार कर रहे हो। विजुलाइज कर रहे जैसे ही आपने बॉडी लेवल पे एक आदत बना दी है, अपने आप को देखिए, आप बहुत ही अच्छी तरीके से मेडिटेशन कर पा रहे हो। पहले की कंपैरिजन में आपका मेडिटेशन इंटेंस लेवल पे बढ़ चुका है। बहुत थोड़े वक्त में, थोड़े टाइम में आप ट्रांस में एक्सपीरियंस कर रहे हो। सिंबल की चैंटिंग, मंत्र की चैंटिंग कंटिन्यूस आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुकी है। इंटेंस मेडिटेशन, सिंबल और क्रिस्टल के जरिए हीलिंग आपको क्विक रिजल्ट दे रही है। आपका माइंड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट हो रही है। मेडिटेशन करना आपकी आदत बन चुकी है। मेडिटेशन में स्थिर बैठना, पद्मासन में बैठना, मेडिटेशन करना, सरेंडर होना और सिंबल का चेंटिंग करना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। आप सभी जगह पे ट्रिकी हीलिंग को अपना रहे हो। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, माइंड का पावर बढ़ चुका है। और आप मैच्योर लेवल से ऊपर सोल जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपका माइंड ओपन हो चुका है सभी मॉडलिटीज को अपनाने के लिए, सभी ट्रिक को अपनाने के लिए, सभी हीलिंग को इंटीग्रेट करने के लिए। और आपको क्विक रिजल्ट मिलते ही आपकी सोल का इवोल्यूशन हो रहा है। अब आप माइंड बॉडी के साथ सोल लेवल पे भी अवेयर हो चुके हैं।
हर सिचुएशन को। आप सोल की नजर से देख रहे हो, किसी व्यक्ति को, कोई रिलेशन को देखने के लिए। अब आपकी नजर, आपका विजन चेंज हो चुका है। अब आप कनेक्टेड सोल की नजर से देख रहे हो और उसी व्यक्ति को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हो। सोल लेवल पे आप हीलिंग कर रहे हो। इसी हीलिंग को और फास्ट बनाने के लिए आप सभी के साथ हो पोनो पोनो कर रहे हो, विजुलाइज करें। आप अपने ही इसी लाइफ में जिनके साथ आपके रिलेशन को और मजबूत बनाना है, जहां पे कुछ कड़वास है, कुछ खटास है, जिनकी जिन भी सोल के साथ जो कोई भी रिलेशन में आपको तकलीफ नजर आ रही है, आइए हम उनको सोल बल की हीलिंग देते, रिलेशन को हेल्दी बनाते हैं। अपने ही मन में किसी तीन व्यक्ति का विजुलाइज करें, माइंड में कोई तीन व्यक्ति को लाए जिनके साथ आपको कुछ न कुछ अनबनाव चलती रहती है। वन बाय वन वो तीनों के साथ हम होपोनोपोनो करेंगे और सिंबल डालेंगे। ट्रिकी हीलिंग के जरिए हम रिलेशनशिप को हील करेंगे और सोल लेवल की हीलिंग करेंगे। विजुलाइज करें अपने ही मन में फर्स्ट व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन पूरा विजुलाइज करें उनके साथ, उनकी सोल को बड़े भाव के साथ फॉरगिवनेस सीख कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। सिंबल डालिए, जैसे ही सिंबल से चार्ज कर दिया, आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव कोड है, मां काली से प्रार्थना करें वो नेगेटिव कोड को कट करने के लिए, और विजुलाइज करें मां काली के त्रिशूल ने आप दोनों के बीच की नेगेटिव कोड को कट कर दिया है। और आपका रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी और लवफुल बन चुका है। सोल हीलिंग हो चुकी है। विजुलाइज करें सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन आपके सामने है, करेंगे बड़े ही भाव के साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। सिंबल डालें,
सिंबल से हील करने के बाद माँ काली से प्रार्थना करें आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव कोड है इसको प्लीज कट कर दीजिए। माँ काली के त्रिशूल ने नेगेटिव कोड को कट कर दिया और आप दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिश्ता है। देखिए हग कीजिए वो पर्सन को आप अनकंडीशनल लव के साथ मिल रहे हो। खुशी के साथ आपके रिलेशन हेल्दी हो चुके हैं। हर पर्सन आपके सामने थर्ड पर्सन को आपके सामने विजुलाइज करें। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई लव यू एंड थैंक यू। सिंबल सिंबल से हील हो चुके हैं। अब माँ काली से प्रार्थना करें आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव कोड है मिसअंडरस्टैंडिंग के जो भी कोड है अपने त्रिशूल से कट कट कट। माँ काली ने नेगेटिव कोड में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हीलिंग पॉजिटिव वाइब्रेशन अनकंडीशनल लव और हेल्दी रिलेशनशिप सोल लेवल पे विजुलाइज करे वो पर्सन के साथ आप हग कर रहे प्रेम से खुशी से बात कर रहे पूरी तरह से रिलेशनशिप हील हो चुकी है। माइंड बॉडी और सोल लेवल पे हीलिंग हो चुकी है। हेल्थ और रिलेशनशिप को हील करने के बाद विजुलाइज करें अपने ही लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन को जो लाइफ में बहुत ही मायने रखती है। माँ लक्ष्मी को इन्वॉल्व करें विजुलाइज करें आपके हाथ में आपकी करेंसी की नोट है। आप जितनी भी करेंसी लेना चाहते हो विजुलाइज करें रुपीस डॉलर यूरो पाउंड दिराम सब करेंसी की नोट हो। आप बहुत ही भाव के साथ देखिए छुइए स्पर्श कीजिए जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गलत इंफॉर्मेशन या गलत विचारधारा रखी हो पैसों के बारे में रॉन्ग बिलीव सिस्टम हमने अपने माइंड में पैसों के बारे में रखी है। यहाँ पे हम पूरी तरह से ट्रिकी हीलिंग के जरिए पैसों के साथ होपोनोपोनो करते हैं। बहुत ही माइल्ड टच पैसों के साथ आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी
I love you. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. और देखिए आपका मन खुशी से भर चुका है, अपने जैसे ही फॉरगिवनेस सीख कर ली। आपके रास्ते से जो भी विघ्न था, जो भी तकलीफ थी, हट चुकी है। आपको पूरा ट्रस्ट और फेथ आ चुका है। आपकी जो भी कंडीशन है, डे बाय डे बेटर एंड बेटर हो रही है, क्योंकि आप पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हो। अब आपके मन में कोई वहम, कोई डाउट, कोई डर, कोई भय, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी आपको अबेंडेंस चाहिए, आप अपनी ही प्रॉपर्टी को, अपने धन को, अपने पर्स को, अपनी ही तिजोरी को, कपबोर्ड को, लॉकर को, बैंक अकाउंट को, चेकबुक को सिंबल दे रहे हो, विजुलाइज कीजिए। आपके सामने सभी का एक ढक कर दीजिए। आपकी सभी चेकबुक, सभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी कार्ड्स है, जितने भी प्रॉपर्टीज के पेपर्स है, सभी फाइल आपके सामने है। घर, गाड़ी, बंगलो, प्लॉट, ऑफिस, दुकान, जो कुछ भी है आपके पास, लैंड, खेत, जितने भी मकान, जितने भी गाड़ी, सभी आपके सामने है। और आप सब प्रॉपर्टीज को सिंबल से एनर्जाइज कर रहे हो और ब्रह्मांड से प्रार्थना कर रहे हो, जिनका भी हमने इन्वोकेशन किया है, सभी डिवाइन एनर्जी ये सभी चीज वस्तुओं को एनर्जाइज कर रही है, हील कर रही है। सिंबल कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए। आपके सामने सब भरा पड़ा है, सिर्फ इंटेंशन ही काफी है। आपके बिलोंगिंग्स, आपकी सभी चीज वस्तुएं, सभी प्रॉपर्टीज, सभी पेपर्स हील हो चुके हैं, एनर्जाइज हो चुके हैं। और अबेंडेंस से भर चुके हैं, आप पूरी तरह से अबेंडेंस में आ चुके हैं। अब आपके मन में श्रद्धा, सबूरी, फेथ और ट्रस्ट बढ़ चुका है।
आपके जीवन में जिसकी भी जरूरत है, जो भी चीज वस्तु की, पैसों की, व्यक्ति की, पद की, प्रतिष्ठा की, जब जब जरूरत पड़ती है ब्रह्मांड से आपको डिलीवर हो जाता है। अब आपका प्लान डिवाइन प्लान हो चुका है, आपका काम यूनिवर्स का काम हो चुका है। आपका हर थॉट हर पॉजिटिव बन रहा है और हर पॉजिटिव सोच क्विक मैनिफेस्ट हो रही है। आपके इंटेंशन में हीलिंग और हीलिंग, सिर्फ हीलिंग, आप सब के लिए हीलिंग प्रार्थना कर रहे हो। आप खुद के लिए और औरों के लिए ट्रिकी हीलिंग को अपना रहे हो। सिंबल के जरिए, होपोनोपोनो के जरिए आप सबको हील कर पा रहे हो। आपका हीलिंग पावर बढ़ चुका है। ईच एंड एवरी मोमेंट आप अवेयरनेस में हो। आपकी कॉन्शियसनेस राइज हो रही है। आपकी चेतना गुरु की चेतना के साथ, साईं की चेतना के साथ मर्ज हो रही है। जैसे आप सभी हीलिंग मॉडलिटीज का इंटीग्रेशन कर रहे हो, सभी डिवाइन कॉन्शियसनेस आपके साथ इंटीग्रेट हो रही है। आप वननेस में आ चुके हो, आप अबंडेंस में आ चुके। आपका सोल इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो रहा है। ट्वेंटी 24/7 यू आर कनेक्टेड विथ डिवाइन पावर। 24/7 यू आर ओपन टू रिसीव ब्लेसिंग्स। We are open to receive abundance flow in your life. आपकी ऊरा पॉजिटिव बन चुकी है, एक्सपांड हो चुकी है। रेनबो के सभी कलर को इन्वॉक कीजिए और सभी कलर्स जिन भी चक्र में, ओरा के जो भी स्थान में कमी है वहां पे पूर्ति कर रहे हैं। जिस कलर को जहां पे जाना है वहीं पे पहुंच चुके हैं और आपके सभी चक्र बैलेंस आपके ओरा पॉजिटिव बन चुके हैं। सिर्फ इंटेंशन ही काफी है। आपका इंटेंशन पावर बहुत ही फास्ट हो चुका है, इफेक्टिव हो चुका है और आपको मिरेकल रिजल्ट मिल रहे हैं। ट्रिकी हीलिंग के जरिए ईच एंड एवरी डे आपके लाइफ में मिरेकल और मैजिक हो रहा है। आप बहुत ही ग्रेटिट्यूड भाव में हो, थैंकफुल। इसी ग्रेटिट्यूड के जरिए सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करें।
माइंड बॉडी सोल सभी लेवल को हील करने के लिए, ट्रिकी हीलिंग को अपनाने की पावर देने के लिए उदय सर का धन्यवाद, करुणा सागर साई का धन्यवाद, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, मॉडलिटी का धन्यवाद, रेखी करुणा रेखी के सभी सिंबल्स का थैंक्स। अपने आप का धन्यवाद करते हुए धीरे से अपने प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करें। Thank you very much. Dhanyavaad. Thank you so much. बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मजा आ गया। ओके, ट्रिकी हीलिंग को अपनाते रहिए और फिर से हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।